चलो। सुप्रभात बच्चों, माँ सरस्वती को प्रणाम करके आज हम रुचिरा संस्कृत का पंचम पाठ है पंडिता रमा भाई का द्वितीय गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं, यानी दूसरा पैराग्राफ। काल क्रमेण यानी समय के अनुसार रमया पिता विपिन संजाता। तस्या पित्रो ज्येष्ठ भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़ितम दिवंगता। कालक्रम के अनुसार उनके पिता ने विपन्न संजाता। तस्या पित्रो उसके पिता की बड़ी बहन च दुर्भिक्ष यानी अकाल के समय उसका देहांत हो गया। तदंतर रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रे भारते भ्रमण कुर्वन्ती कोलकाता प्राप्ता। इसके पश्चात रमा अपने बड़े भाई के साथ भारत का भ्रमण करने यानी घूमते और कोलकाता आई। तत्र सा समाज जैन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत। उन्होंने वेदों का अध्ययन भी किया और उसके बाद सा बालिका नाम स्त्री नाम च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्र देकस्य च शिक्षाए आंदोलन प्रारंभति। उन्होंने उसके पश्चात संस्कृत और वेद शास्त्र की शिक्षा भी प्रारंभ कर दी। 1880 में खिताबे सा विपन्न विहार सेन स न्यायायन विवाह अकरोत। उन्होंने 1880 में विपिन बिहारी सेन के साथ विवाह कर लिया यानी शादी हो गई। और उसके बाद शारदे एक वर्षांतरे यानी 1.5 साल तस्य पति दिवंगत। 1.5 साल के बाद उनके पति का भी निधन हो गया। बच्चों, इस गद्यांश का हिंदी में प्रसंग सहित अनुवाद कीजिए और नीचे कुछ शब्दार्थ है उन शब्दार्थों को कीजिए। कुछ प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर देने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।